फरीदाबाद फूड स्ट्रीट, जो आपको पता है कराची की एक बहुत ही मशहूर फूड स्ट्रीट्स में से है। और यहाँ का जो इफ्तार का जो टाइम होता है ना, यहाँ पर बहुत ही मतलब रश होता है। और अभी हम आए हैं, अभी यहाँ तकरीबन 6 नहीं बजे, अभी यहाँ बिल्कुल स्ट्रीट जो है वो पैक है बैक साइड पर। अच्छा, यहाँ पर मैं एक आपको बताना चाह रहा था कि इन्होंने कभी इससे मेरी बात हुई थी कि इन्होंने अपना इसी साल एक स्टॉल लगाया है समोसों का और पकौड़ों का। तो ये बता रहे हैं कि यहाँ की इतनी बरकतें हैं इस मतलब एरिए की, यहाँ पर मतलब पहले साल था लेकिन इनको बहुत अच्छा हो रहा। मुझे बताएं थोड़ा सा कैसा आपको क्या महसूस हो रहा है? हमें बहुत अच्छा हो रहा है यहाँ पर। हम तो सोचे थे हमारा थोड़ा माल निकलेगा, अल्लाह ताला का शुक्र है कि 3-4 हज़ार दाने निकल जाते हैं हमारे, समोसे ओनटोन वगैरह सब पकोड़े। कितने बजे लगाते हैं आप? हम लगाते 3 बजे सर। 3 बजे लगाना स्टार्ट एरिया बताना लगाए अभी 6 बजे तक इनका जो सेटअप है वो भी मतलब पूरी रूट पर है। और इनका मकसद ये बताने का ये था कि मैंने जब लगाया था तो मेरे जहन में नहीं था कि इस तरह से माशाल्लाह चलेगा। तो ये कि कुछ जगहों का ऐसा होता है कि स्ट्रीट्स भी ऐसी होती है जो वेल नोन होती है, फेमस होती है, तो वहाँ हर चीज़ चल जाती है। उसी में से एक हुसैनाबाद स्ट्रीट भी है। अच्छा, मेरे बैक साइड में अगर आप देखेंगे तो ये भाई मेमन मस्जिद है जो बहुत पुरानी मस्जिद है, और ये समझ लें कि पूरे फ्रंट भी है हुसैनाबाद की एक मशहूर मस्जिदों में से एक मस्जिद है। हुसैनाबाद की एक स्टॉल है जिसमें आपको दही बड़े और चाट मिलेगा। इसके अलावा इनके पास फ्रूट चाट भी होती है, क्रीम वाली फ्रूट चाट होती है। क्या पैकेट कितने का है? 80 रुपये पाव। ये 80 रुपये पाव है और ये दोनों 80 रुपये पाव। ये भी पता मशहूर है बिल्कुल आपको हुसैनाबाद का जो मेन जो तैयबी है उसके सामने है। आप मेरे पीछे अगर देखेंगे तो ये है माशाल्लाह बर्गर शॉप। ये भी यहाँ हुसैनाबाद की बहुत मशहूर बर्गर शॉप है। और यहाँ पर अभी रमज़ान का समझिए एक रश अलग ही होता है क्योंकि अभी इफ्तार में तकरीबन 1 घंटे से ज़रा थोड़ा ज़्यादा है। तो यहाँ पर अभी आप देखिए बिल्कुल इनका काउंटर पर एकदम रश लगा हुआ है। और इनके रेट्स वगैरह भी बड़े मुनासिब हैं। डबल कबाब नॉर्मल वाला है 50 रुपये का है वो, और चिकन बोटी वाला 60 रुपीज़ का बर्गर है, 100 रुपीज़ का है। ये बड़ा मतलब एक मशहूर शॉप है ये, माशाल्लाह बर्गर करके कहलाती है। हुसैनाबाद में जब आप आएँगे तो आपको ये कॉर्नर पर ही मिलेगी। प्राइस है इस तरह मुझे बताएंगे क्या दर्जन मतलब ये छोटे समोसे वगैरह का क्या रेट वगैरह? ये 180 रुपये दर्जन है। ठीक है, ठीक है ना। चिकन स्टिक जो 480 रुपये दर्जन है। 480 गोला कबाब है ये सारे कबाब सारी रमजान की। अच्छा, ये मेहमानों की फेवरेट डिश है। अच्छा, गोला कबाब। गोला कबाब 80 रुपये दर्जन है। चिकन कटलेस है, चिकन वेजिटेबल रोल है। ये क्या साइज? ये भी 180 है। ठीक है, ये शामी कबाब। ये शामी कबाब 30 रुपये का एक दर्जन। 30 रुपये का एक आलू का। ठीक है, आलू वाली दाल कीमत। दाल कीमत के साथ सही वो आलू चिकन वो है। आलू चिकन वो है। ठीक है, दाल कीमत। अच्छा सही, फ्रोजन भी आपने रखे हुए हैं। ये इससे क्या है, रोल का क्या पैकेट है? ये हम दे रहे हैं 140 रुपये पैकेट। 140 का पैकेट। ठीक है, 10 है भाई। बहुत बड़ी है यार, दर्जन है 12। ठीक है, जिससे मैं बात कर रहा था इन्होंने ये भी ये टेम्प्रेरी रमज़ान के लिए लगाया हुआ ये स्टॉल जो है, उसमें समोसे चिकन स्टेक ये वो है। वैसे इनके साथ में अगर आप देखेंगे तो एक बर्गर की शॉप है ये, बन कबाब और बर्गर की। ये इनका पूरे साल का है, इसका नाम है मेमन बर्गर कॉर्नर। ये भी हुसैनाबाद में जब भी आप एंटर होंगे तो एंटर होने के थोड़े से बाद अल कुरैश मिल्क के सामने है। चिकन वाला ठीक है, बहुत शुक्रिया। एक वो काठियावाड़ी की जो एक खुशबू होती है ना, एक अलग ही मतलब उसका एक वो होता है, एक जैसे कहते हैं ना कि वो लुभाने वाली स्मेल होती है। तो इनकी जो चटनियाँ और मैं इनके मसाले देख रहा था,
तो उससे मुझे अंदाज़ा हो गया कि बहुत मतलब ज़बरदस्त चीज़ है। जब भी माशाल्लाह 23 साल से इनका ये सेटअप है। और अच्छा रमज़ान में आपका क्या मतलब रूटीन वगैरह टाइमिंग वगैरह में कितना? चार से रोज़े तक लगा। अच्छा रमज़ान में जो 400 वैसे जो है आम दिनों में सुबह 10 से 4 इनकी टाइमिंग वैसे कम ही है, क्योंकि 10 से 4 का मतलब है कि 4 बजे क्लोज करके चले जाते हैं। माशाल्लाह अच्छी चीज़ है तो फौरन निकल जाती है। ₹40-50 की जो रेट है वो 40-50 की। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया। मैं बता रहा था आपको, जब अभी हुसैनाबाद में होते हैं बिल्कुल उखाई मस्जिद के सामने ये इनका स्टॉल है। आपका नाम क्या है? गुलाम मोहम्मद साहब का ये स्टॉल है। ये बड़ा अजीब सा नाम ले रहे थे इसलिए मैं रुकिया। लॉन्ग पेड़े ये जो आप देख रहे हैं ना यहाँ दिखाएं इनको, ये लॉन्ग पेड़े कहलाते हैं ये। और वो जो सामने ये आपने क्या क्या है इसमें क्या पड़ता है? बेसन के बने हुए, मूंग की दाल के बने हुए। अच्छा ये बेसन के बने हुए हैं और वो मूंग की दाल के बने हुए हैं। अभी कितने का पैकेट होता है? क्या दर्जन? 100 रुपये दर्जन देते हैं वो भी। 100 रुपये दर्जन दोनों का। इनके पास पैकिंग का इंतजाम भी है। और आप इसको नाम बड़ा मज़ेदार है, लॉन्ग पेड़े। लॉन्ग मतलब मेमू की डिश है? नहीं, दिल्ली वालों की। हमारी दिल्ली वालों की डिश। ठीक है, बहुत शुक्रिया। बेटा कराची के जितने भी आप ओल्ड एरियाज़ में रहेंगे कराची के, जहाँ कहीं भी जाएँ आराधर ले लें आप चले जाएँ करीमाबाद, आप हुसैनाबाद, जितने भी ओल्ड इलाके हैं सुलझर बाजार इवेल, वहाँ पर आपको नमकीन लस्सी ज़रूर मिलेगी। और ये बहुत पसंद करते हैं यहाँ के जो लोग हैं ओल्ड कराची के जितने भी एरियाज़ हैं, वो नमकीन लस्सी को ज़्यादा पसंद करते हैं एज़ कम्पेयर टू मीठे की। और इसकी लॉजिक ये है कि खासतौर पर रमज़ानों में ये मतलब जो आपकी प्यास होती है ना इसको ये कम करती है, तो एक लॉजिक है ये नमकीन लस्सी। और इसका जो बनने का स्टाइल है वो भी आप देखें, ये देखें ये मटके में है जी, मटके में बनती है ये। और ये इसका जो आप अप्रोच आगे करके ना, ये मैं आपको दिखा दूँ। अच्छा ये कितने क्या क्या आपका प्याला? 50 रुपये का पैकेट है ये। आजकल तो ये सिर्फ मतलब वो पैकेट बना के दे रहे हैं 50 रुपये का पैकेट। इजाफा यहाँ पर है ये कि इनके पास लवे शीरी भी है जो रमज़ान में मतलब मैंने फर्स्ट टाइम मतलब अभी तक देखी है। और इसके अलावा ये फ्रूट चाट है। और ये जो है दही बड़े, ठीक है दही बड़े 100 रुपये पाव। और ये जो है 80 रुपये पाव। दही बड़े 80 रुपये। आते हैं यहाँ पे आप थोड़ा सा बैक साइड वाली गली में, बहुत मशहूर यहाँ पर आलू छोले और उसका चाट मतलब यहाँ मिलता ही है। इसको क्या कहते हैं अपनी जबान में? मुझे बताइए। मेमन चाट कहते हैं। मेमन चाट के नाम से मेमन चाट। और इससे मुख्तलिफ चटनियाँ अगर आप देखेंगे, और ये इनका जो सेटअप स्टॉल जो है ना ये पूरे 12 महीने का है, ये कोई रमज़ान का वो नहीं है, ये पूरा साल आपको यहाँ मिलेगा। और यहाँ बहुत मतलब रश होता है, और अभी ये समझ लें रश टाइम इनका स्टार्ट हो गया। हुसैनाबाद में जब आप होते हैं तो आपको एक बहुत ही मशहूर आइटम हर जगह मिलेगा, वो उसमें है मालपुरा। ये यहाँ की समझ लें ट्रेडिशनल डिश है जो बहुत आपको फ्लुएंटली हर जगह पे आपको मिलेगी। मालपुरा कितने का है? 20 वाला भी है, 50 वाला भी। अच्छा 20 रुपये का भी है इनके पास मालपुरा, 50 रुपये का भी है। हुसैनाबाद की मालपुरा की ये भी एक शॉप है जो यहाँ पर स्टोर लगा हुआ है। ये साथ में ये जो चीज़ आप दे रहे हैं ये पैकेट ये रबड़ी का पैकेट है। अच्छा ये देखें मालपुरा के साथ ये रबड़ी भी मतलब देते हैं, तो ये कितने का मतलब पड़ता है अगर एक मालपुरा के साथ रबड़ी भी? 30 रुपये का है, 50 रुपये का है एक रबड़ी की।
अच्छा 50 के साथ एक रबड़ी की जो ये छोटा वाला जो पैकेट आती है ना ये फ्री है साथ में इसके, यानी आपको दो लेने पड़ेंगे उसके साथ आपको ये फ्री मिलेगा। और मैंने ये रबड़ी का कॉन्सेप्ट यहीं पर देखा है अब तक, क्योंकि मैं जहाँ देख रहा था वहाँ पर रबड़ी नहीं थी लेकिन वो अलग से एक्स्ट्रा पैसे लेते हैं। अच्छा ये भी सभी लोग जिन्हें रबड़ी होती और इसका बनना जो है ना वो मुझे बहुत पसंद है। मालपुरा का जो बनना है ना वो आपको एकदम एक अजीब सा एहसास देता है। जरा देखें आप जरा, बहुत ज़बरदस्त। आपका क्या नाम है? अब्दुल गफ्फार भाई। ठीक है अब्दुल गफ्फार भाई, ये बिल्कुल करीब में ही है, ये भाई मस्जिद के करीब है। बहुत शुक्रिया भाई, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। खजूर चल रही है।